नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है फ्यूचर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं डी काउंटा के बारे में। डी काउंटा होता क्या है, आज इस वीडियो में हम टोटल पूरी तरह से इसके बारे में एनालाइज करेंगे। डी काउंटा जानने से पहले अपने को काउंट के बारे में आइडिया होना चाहिए। काउंट होता क्या है एक्सेल में? एक्चुअली एक्सेल में काउंट फार्मूला हम लोग किसी चीज़ को, प्रोडक्ट को काउंट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये ओनली नंबर में काउंट करता है, लेकिन काउंटा जो फार्मूला होता है नंबर, वो नंबर भी, सिंबल भी एंड कैरेक्टर, ये यानी कि तीनों चीज़ें वो काउंट करता है, ठीक है। तो उसी तरह से इसका जो एडवांस वर्जन है डी काउंटा है। डी काउंटा मतलब, डी का मतलब होता है डेटाबेस, काउंटा मतलब काउंट करना, यानी कि ये लॉजिक की तरह काम करेगा। यानी कि एक रो कॉलम में दो कंडीशन हो, यानी कि दो प्रोडक्ट मिक्स हो, सिर्फ आप उसमें से एक ही प्रोडक्ट को काउंट कराना चाहते हैं, तो वो उस तरह से वो काउंट करेगा। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं, इस एग्जांपल से आपको डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा ये किस तरह से काम करता है। जो हमारा पहला जो एग्जांपल है, ये हमसे पूछा गया काउंट द नंबर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर ब्रांड। यानी कि हमारे पास ब्रांड है, यहाँ पे ब्रांड है और ब्रांड में सूर्या है, फिलिप्स है। यानी कि इसने क्या बोला, ये सेलेक्ट तो कर, लेकिन इसमें से फिलिप्स से मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को सिर्फ मतलब है सूर्या। यानी कि सूर्या के कितने ब्रांड है, यानी कि कितने प्रोडक्ट है, ठीक है, वो बोला है, ठीक है। ये आप अदर फॉर्मूले से भी आप सॉर्ट आउट कर सकते हो, लेकिन फिलहाल हम लोग इस फॉर्मूले से सॉर्ट आउट करने की देखते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे निकाल रखा हुआ है, इसको डिलीट कर देते हैं। आपको एज सिंपल यहाँ पे टाइप करना इक्वल टू डी काउंटा, ठीक है। डी काउंट के बारे में मैंने लास्ट वीडियो बनाया है, आप उसको जरूर जाके देखिए, आई होप वो भी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। डी काउंटा जैसे सेलेक्ट किया, सबसे पहले बोला डेटाबेस। डेटाबेस जो है हमारा स्टार्टिंग से हुआ, हेडिंग से लेके ही सेलेक्ट करना है आपको डेटाबेस। तो हमने हेडिंग से लेके लास्ट तक पूरा डेटा सेलेक्ट किया, देन कॉमा। ये बोलता है फील्ड बताओ, वो फील्ड बताओ जिसके जगह पे आप जाके काउंटिंग कराना चाहते हो। तो मेरा ब्रांड फील्ड है, यानी कि ये ब्रांड का काउंटिंग कराना है मुझे, तो मैंने ब्रांड सेलेक्ट किया, कॉमा। एंड क्राइटेरिया बोलता है, क्राइटेरिया का मतलब क्या होता है, आप बताओ आपकी कंडीशन, मतलब आपकी शर्त क्या है, आप क्या चीज़, इतने सारे चीज़ें हैं सामने, आप क्या कराना चाहते। तो मैंने बोला ये मैं, ठीक है, ब्रांड ये होना चाहिए, सूर्या ब्रांड होना चाहिए। ये हेडिंग से मतलब नहीं है, लेकिन हेडिंग लिखना जरूरी है, क्योंकि हमारा जो डेटा काम करेगा वो हेडिंग बेस पे होना चाहिए, और इसमें स्पेलिंग एरर नहीं होना चाहिए। इधर ब्रांड लिखा तो इधर भी सेम वही लिखा होना चाहिए, ठीक है। यानी इस ब्रांड का ये प्रोडक्ट, सॉरी ये ब्रांड है, सूर्या ब्रांड का काउंटिंग करके आपको बताना है, ठीक है। इसके अंदर सारे मिक्स है, फिलिप्स हैं, सूर्या भी हैं और कुछ ब्लैंक भी हैं। तो हमने जैसे ये सेलेक्ट किया, इसको ब्रैकेट क्लोज किया और इंटर मारा, ये हमारे पास देखो आंसर आ गया, ये क्या बोला, 8 है टोटल हमारे। अब इसी चीज़ को प्रमाण करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिल्टर लगा देते हैं। फिल्टर में हम लोग ब्रांड सेलेक्ट कर लेते हैं सूर्या। ये देखिए जैसे सेलेक्ट किया, ये सूर्या के क्या क्या प्रोडक्ट हैं अवेलेबल यहाँ पे दिखा रहा है। अब इस चीज़ को, प्रोडक्ट को अगर हम लोग सेलेक्ट करते हैं, टोटल क्या बता रहा है, 8। या ये ब्रांड भी आप सेलेक्ट करते हो, टोटल कितना बता रहा है, यहाँ से ले लेते हैं, टोटल कितना बता रहा है, 8 बता रहा है। यानी कि इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो किसी चीज़ का आंसर, ठीक है। सेकेंड भी क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, सेकेंड क्या बोलता है, द काउंट ऑफ अ प्रोडक्ट विथ एन अननोन लाइफ आर्स। यानी कि अपने को ऐसे प्रोडक्ट की काउंटिंग करना है जो कि अननोन है। यानी कि हमारे पास प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट जो भी है, बल्ब रख दिया, या नहीं तो ट्यूबलाइट रख दिया, या नहीं तो स्पॉट लाइट रख दिया, तो अपने को अननोन ब्रांड है, ठीक है। जैसे ये प्रोडक्ट है और ये अननोन ब्रांड का ये कॉलम है लाइफ आर्स, यानी कि अननोन है। तो इसमें से हम लोग को कैसा आंसर निकालना है, अभी देखिए। जैसे कि हम लोग यहाँ पे फिल्टर में आते हैं, अननोन सेलेक्ट करते हैं, अननोन सेलेक्ट किया, अननोन में देखो तीन प्रोडक्ट हैं। अभी अननोन में इन्होंने क्या पूछा है, प्रोडक्ट नेम बोला है बल्ब, बल्ब कितने अननोन है, तो यहाँ पे बल्ब है, ये अननोन एक ही है। अब यही चीज़ को फॉर्मूले से निकालना है, हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं, क्लिक करते हैं, सेम ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे निकाल रखी हुई, इसको डिलीट कर देते हैं। आपको सिंपल टाइप करना है इज इक्वल टू काउंटा, सॉरी डी काउंटा, डी के साथ आपको जाना है डी काउंटा। सबसे पहले बोलता है डेटाबेस। डेटाबेस में कभी भी आप ध्यान रखिएगा, ये हेडिंग वाला चीज़ है, तो हेडिंग से ही आपको सेलेक्ट करना है। आपने हेडिंग सेलेक्ट किया, फील्ड बोला, फील्ड में आपने ये फील्ड सेलेक्ट करना है, क्योंकि आपको किस चीज़ की काउंटिंग कराना है, इस चीज़ की काउंटिंग कराना है, ये रहा फील्ड, ठीक है। अब बोलो आपकी कंडीशन किधर है, मैंने कंडीशन यहाँ पर रखा, आप यहाँ पर इसलिए रखा है कि आप इसके अंदर अननोन ऐसा सेलेक्ट भी कर सकते हो। फिलहाल मैं ये ऐसा सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे,
ठीक है, प्रोडक्ट ये होना चाहिए और ये हेडिंग है, हेडिंग आपको रखना है, हेडिंग के साथ ही सेलेक्ट करना है, और ये आपके प्रोडक्ट बल्ब है और ये अननोन ब्रांड है, देन इसको ब्रैकेट क्लोज और इंटर, ये देखिए वन दिखा रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट का ब्रांडिंग चेंज करेंगे ऑटोमेटिक इधर आंसर चेंज होगा, और इस तरह से आप इसके अंदर नाम भी लिख सकते हो, जैसे ये लाइफ आवर्स काउंट कराना है तो इसके अंदर नाम भी लिख सकते हो। तीसरा भी क्वेश्चन इसी तरह से है, ये क्या बोलता है, द काउंट ऑफ द नंबर ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑफ अ स्पेसिफिक ब्रांड, ये बोला ये बल्ब है और ये सूर्य, यानी कि सूर्य के कितने बल्ब हैं वो काउंटिंग करके बताओ। सेम उसी तरह से हम लोग इसको भी देख लेते हैं, डिलीट मारता हूँ, इज इक्वल टू डी काउंट, डी काउंट यानी कि ये क्या बोलता है, सबसे पहले आपको जानना क्या है, ये डेटा सेलेक्ट करना है, डेटा हमने सेलेक्ट किया यहाँ से स्टार्टिंग से, कॉमा फील्ड, फील्ड में इन्होंने क्या पूछा है, ये बोला है कि प्रोडक्ट बल्ब प्रोडक्ट है टोटल्स और ब्रांड सूर्या होना चाहिए, यानी कि टोटल बल्ब अपने पास कितने हैं लेकिन वो सूर्या ब्रांड का होना चाहिए। तो हमारे पास फील्ड है प्रोडक्ट का, तो हम ये फील्ड लेते हैं ये प्रोडक्ट का, ठीक है, कॉमा, देन हमारा जो कंडीशन यहाँ पे लिख के रखा है प्रोडक्ट बल्ब होना चाहिए, ब्रांड सूर्या होना चाहिए, इसको सेलेक्ट करते हैं और इंटर मारते हैं, ये देखिए 5। अभी इस चीज़ को सिद्ध करने के लिए हमको ब्रांड सूर्या लेना होगा और बल्ब प्रोडक्ट सेलेक्ट करना होगा, और ये 5 आता है क्या, तो यहाँ पे आते हैं, जैसे कि हमारा प्रोडक्ट होना चाहिए बल्ब होना चाहिए, इसको बल्ब सेलेक्ट करते हैं और ब्रांड हमारा सूर्या होना चाहिए, सूर्या। तो टोटल यहाँ पे जब हम लोग सेलेक्ट करते हैं ये कितना दिखा रहा है, 5 दिखा रहा है, यानी कि इस तरह से ये आंसर आ गया है, ठीक है। चौथा भी समथिंग ऐसे ही है, तो चौथा ये आप खुद ही ये सॉल्व कीजिएगा किस तरह से हम लोग कर सकते हैं, इसका आंसर 3 है, और ये जो एक्सेल फाइल है ये www.futurecomputerinstitute.weebly.com पर ये अवेलेबल रहेगा, डिस्क्रिप्शन में ये लिंक रहेगा जहाँ से आप वेबसाइट पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो ये एक्सेल फाइल, और वहाँ से ही इसी एक्सेल में आप प्रैक्टिस करके अपना टाइम सेव कर सकते हो। दोस्तों आप ज़रूर इसको बताइए कि आपको ये फॉर्मूला है जो समझ में आया नहीं आया, या कुछ और इसमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, या आपके कुछ अलग कंडीशन है, तो ज़रूर आप कमेंट्स में पूछिए। अगर वीडियो पसंद आता है, वीडियो पसंद मतलब आपको अगर इसको लगा कि आप मेरे लिए कुछ नॉलेजेबल चीज़ें हैं, तो ज़रूर इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।